हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज पढ़ने वाले हैं मैथ्स की इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक मैथ्स की बुक से हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक मैं आपको इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक, ठीक है, वो कंप्लीट मैं करवा चुका हूँ आपको। जिस बच्चे ने नहीं देखा वो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक की सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ चैप्टर। और फिफ्थ चैप्टर है बेटा, अगेन ज्योमेट्री का ही एक चैप्टर है, और जिसके अंदर हम समझने वाले हैं, जैसे टाइटल है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, यानी कि ज्योमेट्री के अंदर जो बेसिक जो शेप्स होते हैं, एलिमेंट्री शेप्स होते हैं, ठीक है, डायग्राम्स वगैरह जब हम बनाते हैं तो बेसिक जो एलिमेंट्री शेप हम यूज करते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना भाई आपका नाम क्या और आप किस स्कूल से हो, ताकि मुझे भी पता लग सके कि भाई आप जो मेरे नए स्टूडेंट बन रहे हो कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं 5.1 एक्सरसाइज। और हाँ, जब तक बच्चे सबके सब वीडियो को लाइक जरूर करो भाई, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो बेटा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपकी बुक से ही है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज, यानी कि डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। मेयर ऑब्जर्वेशन इट मींस ओनली ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हो, कि आप लाइन सेगमेंट को जब आप कंपेरिजन करते हो, ठीक है, यानी कि उसकी लेंथ को मेजर करके एक तो तरीका होता है, ठीक है, एक होता है कि सिर्फ ऑब्जर्व करके उसे कंपेरिजन करते हो, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि भी डिसएडवांटेज क्या है। तो भी सिंपल सा डिसएडवांटेज, ये आप लोगों को मैंने चैप्टर 4 पढ़ाया था, तो चैप्टर 4 के अंदर मैंने आपको बताया था भी, चैप्टर 4 जब हम लोग कर रहे थे, कि लाइन सेगमेंट होता क्या है, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि लाइन सेगमेंट होता क्या है, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझाऊंगा। सपोज एक पॉइंट ए है आपके पास और एक पॉइंट बी है आपके पास। अब इन दोनों पॉइंट को जब आप मिला देते हो तो एक लाइन सेगमेंट आप एक ड्रॉ कर देते हो, इट मींस। और ये लाइन सेगमेंट की खास बात ये होती है कि इसे पॉइंट ए से भी नहीं एक्सटेंड कर सकते, पॉइंट बी से भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, यानी कि दोनों तरफ से आपने इसे टर्मिनेट कर दिया, अब इसे फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकते, तो इसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे एक लाइन सेगमेंट आपके पास ए बी हो गया, इसी तरह एक और लाइन सेगमेंट सपोज आपके पास हो गया सी डी हो गया, ठीक है, ये सी डी लाइन। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई दोनों का जो लेंथ है वो कितना है, ये बताओ। एक तो है कि आप ऐसे देख के बता दो कि सर कि ए बी ये बड़ा लग रहा है और सी डी छोटा लग रहा है लाइन सेगमेंट, तो आपने सिर्फ एक ऑब्जर्व करके बताया, लेकिन इसके नुकसान ज्यादा है, वो नुकसान आपको बताने। तो जैसे मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर लिखा है बाय मेयर ऑब्जर्वेशन, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन करके, ओनली ऑब्जर्वेशन करके वी कैन नॉट कंपेयर द लाइन सेगमेंट्स, हम लोग लाइन सेगमेंट को कंपेरिजन नहीं कर सकते, ठीक है, ये विद स्लाइट डिफरेंस इन द लेंथ, कि भी लेंथ को देख करके कि भी ये ए बी बड़ा लग रहा है आपको, सी डी छोटा लग रहा है, सिर्फ इसे देख करके हमें कंपैरिजन नहीं करने चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो एक्यूरेसी है उस चीज पे फर्क पड़ता है, और हम जो इसमें एरर होने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं। तो बेटर ये होता है कि आप स्केल लेकर के, ठीक है, स्केल लेकर के इसे मेजर कर लो। सपोज मैं अगर इसे मेजर करता हूं, एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, इसकी लेंथ आ रही 4.5 सेंटीमीटर, मैंने एक एग्जांपल लिया है 4.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ रही है, और इसकी लेंथ में मान लेता हूं 3.7 सेंटीमीटर आ रही है। तो आप ये बोल सकते हो कि सर ए बी क्या है, ए बी आपके पास है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और सी डी है आपके पास 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आप कंपेरिजन करोगे तब आप ये बोल सकते हो कि ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। अब क्यों ग्रेटर, तो रीजन भी लिख सकते हो नीचे रीजन क्या लिखोगे कि भी 4.5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3.7। तो एक प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक आंसर दे सकते हो, अगर डायरेक्ट ऐसे लिखोगे तो इसमें एरर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये इसके डिसएडवांटेज है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी यूज करना चाहिए हमें स्केल वगैरह लेकर के, रूलर यूज करके इसे इसकी लेंथ को मेजर करना चाहिए, फिर उसे कंपेरिजन करके ऐसे दिखाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलो अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाई इज इट बेटर टू यूज डिवाइडर देन ए रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट,
कि जब हम लाइन सेगमेंट को मेजर करें तो डिवाइडर को यूज करना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू द रूलर, ये पूछा जा रहा है। ऐसा क्यों, आपको रीजन बताना है। तो देखिए, जब आप स्केल यूज करते हो यानी कि रूलर यूज करते हो आप लोग, ठीक है, रूलर आपके पास कुछ देखो इस तरह का होता है ना, रूलर सबके पास होगा, ये 15 सेंटीमीटर वाला रूलर सबके पास होता है, इसमें जीरो से लेकर के 15 तक काउंटिंग होती है, ठीक है, 1 2 3 4, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर का ये होता है। और इसमें क्या होता है, जो लाइनें होंगी इसके बीच में कुछ कुछ लाइनें होती है, जैसे आपने देखा होगा इसके बीच में छोटी छोटी लाइनें होती है, तो कई बार हम लोग इसे देखने में गड़बड़ कर देते हैं और थिकनेस की वजह से हमसे मिस्टेक्स हो जाती है। तो इससे बेटर ये होता है जो कंपास में यानी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आपको एक टूल मिलता है आपको, और उस टूल का नाम क्या है, डिवाइडर है, ठीक है, उस टूल का नाम क्या है, डिवाइडर, जिसके अंदर इस तरह से ये डायग्राम कुछ इस शेप में होता है, कुछ इस तरह का नहीं होता, कुछ इस तरह से जिसे आप लोग ओपन भी कर सकते हो, ये नुकीला होता है, यहाँ पे भी नुकीला होता है और यहाँ पे भी नुकीला, ये आप इसे ओपन भी कर सकते हो। इससे क्या है कि अगर आपके पास दो लाइन से कोई भी लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट पे यहाँ पे ए पॉइंट पे रख सकते हो और उसे बी पॉइंट पे रख सकते हो सेकंड को, यानी कि एक को ए पॉइंट पे एक को बी पॉइंट पे रख के, और फिर इसे इजीली जितना ओपन करना ओपन करके फिर रूलर के ऊपर रख के इसे मेजर कर सकते हो, कुछ इस तरह से। कि जैसे मान लो ये आपके पास रूलर है और ये आपने ये डिवाइडर इसके ऊपर रखा और एक कॉर्नर इसका इधर रखा, एक कॉर्नर इधर रखा और इनको मिला दिया, तो इससे क्या होगा, आपके जो मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है ज्योमेट्री के अंदर, जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन करोगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चन करोगे, तो आप रूलर के साथ साथ आपको डिवाइडर भी यूज कर लेना चाहिए जब हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं लाइन सेगमेंट का। तो आंसर कुछ इस तरह से लिखोगे, व्हाइल मेजरिंग अ रूलर, ठीक है, सोल्यूशन, व्हाइल यूजिंग अ रूलर चांस ऑफ एरर अकर ड्यू टू द थिकनेस, ये जो लेयर होती है ना इसमें लाइन छोटी छोटी लाइन होती है, तो रूलर में क्या होता है कि इससे थिकनेस की वजह से इसके चांस यानी कि एरर होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं जब हम बात कर रहे हैं रूलर यूज कर रहे हैं, ठीक है, जब एंगुलर व्यू जब हम तो ऊपर नीचे से उसे देखते हैं तो गलती हो सकती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि डिवाइडर एक्यूरेट मेजरमेंट इज पॉसिबल, और यूजिंग डिवाइडर, जब आप डिवाइडर यूज कर लेते हो यानी कि इस तरह से डिवाइडर यूज कर लेते हो तो आपके जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि भी आप ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर इस डिवाइडर को यूज करें जब आप लाइन सेगमेंट को मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, जैसे ये ड्रॉ किया, तो सिर्फ रूलर से मेजर नहीं करोगे, रूलर के अलावा आपने क्या करना है, डिवाइडर यूज करना है। डिवाइडर में क्या, एक कॉर्नर आपने इसका एक पोर्शन यहां लगा लोगे, एक पोर्शन यहां लगा लोगे, फिर जितना भी होगा इतना ओपन कर लोगे, फिर उसे रूलर के ऊपर रख के देख लोगे कि इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है फिर उसे लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट अपना आंसर दे पाओगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। कैसे, उसके लिए कंडीशन ध्यान से सुनो, कंडीशन ये दी गई, से टेक एनी पॉइंट सी, आपको एक पॉइंट लेना है सी, लाइन इन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए बी लाइन सेगमेंट होगा आपका और उसके बीच में आपका एक पॉइंट सी होगा, और आपसे ये बोला जा रहा है कि मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी की लेंथ मेजर करनी है, बीसी की लेंथ मेजर करनी है एंड एसी की लेंथ मेजर करनी है। और ध्यान रखनी है आपको कि ये जो कंडीशन है ना, आपको आपके पास ये देखो ये कंडीशन कि ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ये होना चाहिए। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ कैसे करना है मैं आपको वो समझा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज मैं जो आपके पास जो ड्रॉ कर रहा हूं, मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग बाद में आंसर लिखोगे, पहले से ड्रॉ करोगे। 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया आपने, इस पॉइंट का नाम आपने ए रख दिया, इस पॉइंट का नाम बी रख दिया आपने, ठीक है, इसका नाम ए रखा, इसका नाम बी रखा, इस तरह से आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया 7 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहला काम तो आपको ये कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया भाई 7 सेंटीमीटर का आपका एक लाइन सेगमेंट, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है भाई। उसके बीच में एक पॉइंट लेना है सी, और सी इस तरह से लेना है आपने कि भाई ये चीज ध्यान में रखनी है कि इन दोनों को, यानी कि ए, अगर मैं इसकी बात करूं कि भी बी, एक मिनट इसको यहां से रखिए, ऐसा ले लेते हैं, इनके बीच में लेना, तो एसी ले लेते हैं, एसी इधर ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ये तो आपका 3 सेंटीमीटर हो जाए और ये यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर हो जाए, कुछ इस डायमेंशन से आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में ये लिखा, तो अब आप इसको आंसर कुछ इस तरह से लिखोगे कि सिंस सी, सी जो पॉइंट है आपके पास, सिंस
गिवन डेट पॉइंट सी लाइन बिटवीन द ए एंड बी, ए और बी के बीच में ये पॉइंट सी है, देखो ये इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ए और बी के बीच में, ठीक है, हमने वैसे ही ड्रॉ किया, हैंस ऑल पॉइंट्स लाइन ऑन द सेम लाइन। जब ये तीनों के तीनों, यानी कि पहले हमने ए भी ड्रॉ किया, ठीक है, ए भी ड्रॉ किया, और उसके बाद ये देखो एसी, एसी हमारा जो आ रहा है, एसी में अगर मैं बी सी बी एड कर दूं, ये देखो सी बी यहां से लेकर के यहां तक की बात कर रहा हूं, दोनों को एड कर दूं, इन दोनों को एड कर दूं तो किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा ए बी के इक्वल, यानी कि ए बी मेरा 7 सेंटीमीटर है, एसी मेरा 3 सेंटीमीटर है और सी बी मेरा 4 सेंटीमीटर है, तो यानी कि कुछ ये इक्वल लिख सकते हो कि 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो इट मींस ये हुआ कि एक सिंगल लाइन के ऊपर ये लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन के ऊपर ये आ रहे हैं, तो आप तो सबसे पहले कंडीशन जो पूछी गई थी आपके क्वेश्चन में इसे सेटिस्फाई करना है आपको, तो सेटिस्फाई हमने कर दिया, तो देयरफॉर फॉर एवरी सिचुएशन विच पॉइंट सी लाइन बिटवीन द ए एंड बी, ए और बी के बीच में पॉइंट लाई कर रहा है, और तो और ये जो कंडीशन है ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ये भी इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने 7 सेंटीमीटर का लिया और इसे 3 सेंटीमीटर पर मार्क किया यहां पे और 4 सेंटीमीटर का यह हुआ, यानी कि इन दोनों को जब प्लस करोगे तो ये 7 आ रहा है, और ये तो कंडीशन थी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी होनी चाहिए और सी ए सी प्लस सी बी, तो ये हो गई हमारी कंडीशन। तो हमने क्या किया, हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जहां पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले ए बी ड्रॉ किया, और ए बी जो ड्रॉ किया, ए बी जो मैंने ड्रॉ किया वो कितना ड्रॉ किया मैंने, 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, और उसके अंदर जो ए सी है, ए सी कितना मैंने लिया, 3 सेंटीमीटर का लिया, और सी बी जो है आपके पास सी बी, इसे मैंने कितने लिया, सी बी मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर का लिया, ठीक है, तो इस तरह से ये एक लाइन पे भी हो गए, और मैंने इसे ए सी को, सी बी को और इस ए सी को जब मैंने प्लस किया, देखो यहां प्लस किया, यानी कि ए सी को प्लस करोगे या सी बी को प्लस करोगे, तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये 7 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है भाई, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो आप ये बोल सकते हो सिंस ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर इसका मतलब होता है बेटा देयरफॉर, तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी इज वेरीफाइड, तो हमने इसे वेरीफाई भी कर दिया, ठीक है, यानी कि आपको ऐसा लेना है, 3 पॉइंट्स लेने हैं, पहले 2 पॉइंट लेकर के एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, उसके बीच में एक पॉइंट ले लोगे सी, और फिर दोनों को प्लस कर करके दिखा दोगे भी आपका आंसर आ रहा है, जैसे मैंने यहां पे आप लोगों को देखो ये करके दिखाया, क्या करके दिखाया मैंने, कुछ इस तरह की 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का मतलब है ए बी है, और ये ए सी का मतलब है 3 सेंटीमीटर है, और सी बी का मतलब है भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन थर्ड हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, एक बार पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला जा रहा है इफ, पहले कंडीशन दी गई है, इफ ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स लाइन ऑन लाइन, कोई भी एक लाइन है जिसके ऊपर ये तीनों पॉइंट है, और आगे दिया है सच डेट, वो इस तरह से है कि ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है, एंड ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मुझे एक डायग्राम ड्रॉ करना हो उस क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले क्या करूंगा, जैसे क्वेश्चन को पहले पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था इफ ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट है एक लाइन के ऊपर है, और किस तरह से, इस तरह से कि ए बी आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, बी सी आपका 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ए सी आपका 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि इन दोनों को जब मैं प्लस करूं, ए बी प्लस बी सी करूं, तो मेरे पास ए सी आएगा, वो क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर का आएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, फिर आगे आपसे बोला जा रहा है विच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर, तो अब ये पूछा जा रहा है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, तो आपसे ये पूछा जा रहा है मिडल का पॉइंट कौन सा होगा, मतलब बाहर के 2 पॉइंट तो आपको पता करने ही करने, आपको मिड पॉइंट कौन सा है ये बताना है, तो जैसे आपके पास गिवन है आपके पास ए बी, ए बी क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर, पहले तो मैंने ये लिख लिया, फिर आपके पास बी सी गिवन है 3 सेंटीमीटर, वो लिख लिया, और उसके बाद ए सी गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो मैं ऐसा करता हूं, पहले तो मैं ए सी ड्रॉ कर लेता हूं, ये पॉइंट ए ले लिया मैंने, और ये एक पॉइंट ले लूंगा बी ले लो, सॉरी बी नहीं सी ले लेते हैं, ए सी बोला है ना, ठीक है ए सी, और इसकी जो लेंथ होगी, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसकी लेंथ होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ऊपर लिख देता हूं 8 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे आपसे बोला गया था ए बी की लेंथ, अब ए बी की लेंथ कितनी है आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से 5 सपोज इधर आ रहा है, ये मैं स्केल से आप लोग करोगे यूज करके, यहां पे आ रहा है,
तो यहां आपके पास क्या हो जाएगा, पॉइंट बी हो जाएगा। तो ये तो आपके पास 5 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि बीसी कितना होगा, बीसी 3 सेंटीमीटर होगा। 5 इधर हो गया तो इट मींस यहां तो 3 बच जाएगा, तो ये 3 सेंटीमीटर यहां हो गया। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया, अब नाउ इट इज क्लियर कि एसी इज इक्वल टू एबी प्लस बीसी। कैसे, देखो भाई, दिस इंप्लाइज, ये साइन बेटा इसको बोलते हैं दिस इंप्लाइज। तो एसी आपके पास कितना है, एसी आपके पास 8 सेंटीमीटर है, एबी आपके पास 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बीसी आपके पास 3 सेंटीमीटर है। तो आप ये लिख सकते हो ना, एसी इज इक्वल टू एबी प्लस बीसी, इस तरह लिख सकते हो। तो हेंस, अच्छा अब आप बोल सकते हो हेंस, अब बोल सकते हो हेंस कि पॉइंट बी लाई बिटवीन द ए एंड सी। अब आप देख रहे हो कि बी कहां आ रहा है, ए और सी के बीच में आ रहा है, बस यही प्रूफ करना था। तो लिख सकते हो हेंस पॉइंट बी लाई बिटवीन द ए एंड सी। तो पॉइंट बी कहां पर है, पॉइंट ए और सी के बीच में, ठीक है। तो बस इसी तरह से प्रूफ कर देना था, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया कि वेरीफाई करना है बेटा। ये कुछ कीवर्ड है, वेरीफाई, प्रूव डेट, इनको लिख के रख लो, क्योंकि इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में भी। कि जैसे ये वर्ड है आपके पास, क्वेश्चन जैसे स्टार्ट हो रहा है, लिखा क्या यहाँ पे, वेरीफाई। तो ये वर्ड कीवर्ड है मैथ्स के अंदर, इससे आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसकी मीनिंग समझ लो, इसमें पूछा जा रहा है आपसे वेदर, वेरीफाई वेदर डी इज मिड पॉइंट ऑफ एजी। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे ए बी ए आपके पास कोई लाइन या लाइन सेगमेंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब यह है कि अगर एडी इज एडी प्लस डीजी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि भी इनके बीच में पॉइंट है, ए और जी के बीच, तो ए और जी के बीच में पॉइंट क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है भाई। इसको इसको हमें सेटिस्फाई करना था, तो आप लिख सकते हो कि ए जी इज इक्वल टू एडी प्लस डीजी, ये होना चाहिए। और ये आपके पास एक डायग्राम गिवन है, यानी एक पिक्चर गिवन है आपके पास, ठीक है। तो चलो भी करते हैं। तो सिंस, अब यहां पे जैसे कुछ गिवन है आपके पास, सिंस इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द फिगर, अब आपके पास फिगर जो है इससे क्लियर है कि एडी एडी इज इक्वल टू डीजी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कैसे, चलो देख लेते हैं। ये यहां से 0 से स्टार्ट है, और हमें कहां से लेना है, हमें जी से, ए से पहले जी तक का देख लेते हैं। ए से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से और जी तक कितना डिस्टेंस है, देखो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां आपके पास 1 आ जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, 3 4 5 6, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट नहीं किया, मैंने ए से स्टार्ट किया। तो यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा, 4 5 6, इट मींस जो आपके पास ए जी है, ए जी आपके पास क्या होगा, 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद देख लेते हैं भाई जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या है, एडी डी, ये वाला डी, ठीक है, यहां इसकी बात कर रहा हूं, इसकी लेंथ की बात कर रहा हूं मैं। तो इसकी लेंथ आपके पास 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये आपके पास क्या हो गया, AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। डायग्राम देख के बहुत क्लियर पता लग रहा है। अच्छा, उसके बाद DG को और पता कर लेते हैं भाई, DG की लेंथ कितनी है। तो जो DG की लेंथ देख रहे हो बेटा, इसे भी काउंट कर लेते हैं कितना आ रहा है, डी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो ये डी से 1 सेंटीमीटर यहां हो गया, ये 2 हो जाएगा और ये 3। अच्छा, ये भी क्या हो गया आपके पास, 3 सेंटीमीटर हो। लो भाई, इसलिए मैंने कंडीशन लिखा था कि AD इज इक्वल टू DG डेट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। 3 यूनिट का मतलब समझ लो, 3 सेंटीमीटर समझ लो, ठीक है। तो यूनिट की जगह मैं 3 सेंटीमीटर यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो ये 3 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई कि हेंस D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AG, यानी कि A और G के बिल्कुल बीच में। बीच में कैसे है? कि यहां से भी ये जो D है, यहां से भी 3 सेंटीमीटर आ रहा है, 3 यूनिट या 3 सेंटीमीटर बोल सकते हो आप। और यहां से D से लेकर G के बीच का भी जो लेंथ है, ये भी क्या आ रहा है, 3 यूनिट या 3 सेंटीमीटर आपका आ रहा है। तो D बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में है, ठीक है। क्या, कैसे पता लगा आपको, इस तरह से कि AD इज इक्वल टू DG हो रहा है। देखो AD इज इक्वल टू DG और ये क्या हो रहा है, 3 यूनिट, जो कि मैं सेंटीमीटर यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन में सेंटीमीटर नहीं है, मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। तो हेंस इट इज प्रूव्ड दैट D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AG। कैसे प्रूव किया हमने, इस कंडीशन से प्रूव किया, जिसके अंदर हमने AD देखा और DG देखा, दोनों की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और टोटल लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 का हाफ ही तो होता है 3 प्लस 3, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बिल्कुल बीच में, यानी कि मिड पॉइंट में। मिड पॉइंट का मतलब होता है एकदम बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन प्रूव हो गई, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है, डी क्या है, एजी का मिड पॉइंट है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई।
तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके लिए कुछ इस तरह से है, इफ बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अच्छा, बी ए सी का मिड पॉइंट है, याद करो क्वेश्चन नंबर फाइव में मिड पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, यानी कि इसके बिल्कुल बीच में होगा, तो यानी कि यहां से भी और यानी कि ए और बी का जो डिस्टेंस होगा और बी और सी का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, ये इसका कंडीशन होता है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर मैं दोबारा समझाऊंगा। चलो एक बार और समझो, इफ बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी क्या है, ये जो बी पॉइंट आपको दिख रहा है ये सी ये रहा ए ये रहा, यानी ए और सी के बिल्कुल बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ठीक है, क्यों होगा ऐसा, वो इसलिए क्योंकि ये मिड पॉइंट है। चलो हो गया, आगे पढ़ते हैं, इफ बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सी जो है ना ये वाला सी पॉइंट जो दिख रहा है, ये मैं बॉक्स बना रहा हूं, सी जो पॉइंट दिख रहा है ये बी से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस आ रहा है, डी तक जो डिस्टेंस आ रहा है, इनके बीच का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ठीक है, यहां से क्योंकि सी भी मिड पॉइंट है इन दोनों के बीच में, तो इस तरह आप लिख सकते हो कि बी सी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है भाई। अब आपसे पूछा जा रहा है वेयर ए बी सी डी लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी एक लाइन पर लाई करती है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये बताओ कि ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपके पास, जो लेंथ दिख रही है, ए बी और सी डी के इक्वल होंगे क्या नहीं होंगे, इसके बारे में आपको प्रूफ करके बताना है, और रीजन पूछा गया वाई, वाई भी बताना है, वाई का मतलब है रीजन भी बताना है। तो लिखोगे सबसे पहले कि सोल्यूशन गिवन, आपके पास गिवन क्या है, गिवन है कि बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देखो मिला हुआ ना, बी क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो बेटा ये जो वन लिखा है ना वन ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है इक्वेशन वन, इसका मतलब क्या होता है इक्वेशन वन। अब बड़ी क्लासेस में आप आ गए हो ना आप लोग, तो इसको लिखेंगे, कुछ कुछ जगह ऐसे भी लिखते हैं, इसे करके ऐसे भी लिख देंगे, तो इसका मतलब भी क्या होता है इक्वेशन वन, फुल फॉर्म पूरा लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, इसे इक्वेशन वन टू इस तरह लिख सकते हैं। तो इस वाले को तो इक्वेशन वन मान लिया और इस वाले को इक्वेशन टू मान लिया गया, क्यों, वो क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि बी क्या है मिड पॉइंट है ए सी का और सी मिड पॉइंट है बी डी का, ठीक है भाई। तो आप ये बोल सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, ये मैंने अभी समझाया, और उसके बाद लिख सकते हो कि बी सी, बी सी का मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल होगा, यानी कि बी सी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है भाई। अब फ्रॉम ए एंड बी, तो फ्रॉम ए वन एंड टू, वन तो भाई ये वाला यानी इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन यानी कि इसकी बात की जा रही है, एंड टू, टू का मतलब इसकी बात की जा रही है, इस नीचे वाले की, ठीक है, इसकी बात की जा रही है, मैं बॉक्स बना देता हूं इसकी बारे कि इन दोनों से अगर कंपेरिजन करोगे यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, अब बी सी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई ये तीनों इक्वल हो गए। अगर मैं इसे गायब करके इस तरह लिख दूं ए बी इज इक्वल टू सी डी, हो गया बिल्कुल प्रूफ, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है इक्वल है, तो यहां लिखोगे हैंस या फिर प्रूफ लिख दोगे हैंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, बिकॉज रीजन क्या लिखा था फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इसमें इक्वेशन वर्ड लिखा नहीं है पर जब भी ब्रैकेट में इस तरह से लिखा जाता है इसका मतलब ही यही होता है कि इक्वेशन है, ठीक है, यानी कि इक्वेशन वन एंड टू से डिसाइड हो गया कि भी ए बी और सी डी, यानी कि जो ए बी की बात की जा रही है, देखो इस वाले की बात की जा रही है, इसकी ये ए बी है और ये सी डी है, ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि ये तीनों ही, ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, यानी कि तीनों ही जो पार्टीशन बन रहे हैं तीनों इक्वल है, तो आप ये बोल सकते हो फाइनली कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, और इसे हमने क्या कर दिया, वेरीफाइड कर दिया, ठीक है, यही वेरीफाई करना था इसके अंदर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। तो क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है, पहले एक बार डायग्राम को, डायग्राम नहीं, पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर डायग्राम देखेंगे, ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है ड्रॉ फाइव ट्राइंगल्स, ठीक है भाई, इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं आपने, फाइव ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है भाई, ड्रॉ फाइव ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड, और उनकी साइड जो सो मेजर करना है, ठीक है, चेक इन ईच केस, हर एक केस में आपको चेक करना है, इफ द सम ऑफ द सम ऑफ, सम यानी कि प्लस की बात की जा रही है, लिख देता हूं याद रहे, सम का मतलब प्लस, इफ सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, कि भी ये आपको ये चेक करना है कि दो साइड को अगर आप प्लस कर दो, ठीक है, किसी भी दो साइड को, तो वो तीसरी साइड की जो लेंथ होगी, ठीक है, इस साइड लेंथ वो छोटी होगी, ये बोला जा रहा है आपसे। दोबारा पढ़ता हूं जरा ध्यान से सुनो, इसमें आपसे बोला जा रहा है भी ये देखो कि इफ सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज
लेस देन द थर्ड साइड, कि थर्ड साइड जो होगी वो दो साइड के सम से छोटी होगी। कैसे? अब चलो क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। तो इसके अंदर हमें फाइव डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम ड्रॉ करने होंगे ट्राइंगल के। तो सबसे पहले देखो केस वन, सोल्यूशन करवा रहा हूं मैं, ये देखो केस वन। तो केस वन में मैंने एक ट्राइंगल ले लिया एबीसी, ठीक है, ये जो ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, जिसके अंदर मैंने बीसी जो ड्रॉ किया है 4.8 ड्रॉ किया है, ठीक है, और उसके बाद एबी जो ड्रॉ किया है वो 2.5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, और उसके बाद जो एसी ड्रॉ किया है ये 5.2 ड्रॉ कर लिया, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है, बस यही मैंने ड्रॉ किया है। उसके बाद किसी भी दो साइड को लेके प्लस करते हैं, तो मैंने यहां पे एबी को लिया है और बीसी को लिया, इन दोनों को प्लस कर लो, एबी मेरा 2.5 है और बीसी मेरा 4.8 है, इन दोनों की बात कर रहा हूं भाई, इसकी और इसकी बात कर रहा, इन दोनों की बात कर रहा हूं, तो यानी कि दो छोटे छोटे जो लेंथ है उन दोनों को मैंने प्लस कर लिया, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है 7.3 आ रहा है, ठीक है, इन दोनों को प्लस करने के बाद। अच्छा, और जो एक साइड जो बच गई यानी 5.2 जो बच गई, अगर उसके साथ मैं कंपेरिजन करूंगा तो ये हमेशा क्या आ रहा है कि भी जो दो साइड का जो प्लस किया था आपने वो ऑलवेज ग्रेटर, यानी कि 7.3 इन दोनों को जो प्लस करके 7.3 आ रहा है, कि 7.3 इज ग्रेटर देन 5.2, बस यही चेक करना था, 5.2 से ग्रेटर है। तो आप बोल सकते हो, जैसे मैंने यहां लिखा है, बड़ा बड़ा लिख देता हूं यहां पे, कि एबी को, यानी कि एबी यानी इसकी बात करो, एबी को और बीसी को अगर मैं प्लस करता हूं, जो कि हमेशा ग्रेटर आएगा किससे, थर्ड साइड से, थर्ड साइड का मतलब है एसी, इससे ग्रेटर आएगा। यानी कहने का मतलब ये है, आप किसी भी दो साइड को ले लो, दो साइड यानी कि कोई भी दो स्मॉलर साइड ले लो आप ट्राइंगल के अंदर, उन दोनों को प्लस करोगे तो वो हमेशा ही थर्ड साइड जो होगी उससे उसकी ग्रेटर वैल्यू आएगी। तो केस वन हमने सॉल्व कर लिया, एक ट्राइंगल लिया हमने, इस तरह से सॉल्व कर लिया। चलो एक और देखते, इस तरह से हमें पांच करने हैं, अभी तो एक किया, अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो केस टू, वो केस वन था, अभी केस टू है, ये सेकंड ट्राइंगल है, तो यहां मैंने इसे 2 सेंटीमीटर लिया है और इसे लिया मैंने, इसे का मतलब है यहां पे पी एन क्यू को, पी क्यू को मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया है और क्यू आर को ले लिया मैंने 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये देखो 2.5 सेंटीमीटर ले लिया, इसकी बात कर रहा हूं, और उसके बाद जो पीआर है हमारे पास, पीआर हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है। चलो भाई दो साइड लेनी थी, कोई भी दो साइड लेनी थी, तो अब क्या करता हूं मैं पीक्यू और क्यूआर को ले रहा हूं, ये देखो ये पीक्यू है, ठीक है, यानी कि ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये पीक्यू हमारे पास कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूआर मेरे पास कितना है, क्यूआर मेरे पास है 2.5 सेंटीमीटर, तो ये मैंने 2.5 सेंटीमीटर इसे ले लिया, इन दोनों को जब प्लस करूंगा कितना आ रहा है 4.5 आ रहा है। तो अब जैसे मैंने यहां लिखा है कि 4.5 इज ग्रेटर देन, ये जिसको मैंने छोड़ दिया, इसको नहीं लिया ना मैंने 3.5 को, तो ये 4.5 क्या आ रहा है 3.5 से बड़ा आ रहा है, तो ये कंडीशन फिर से सेटिस्फाई हो गई। देख लिखोगे देयर फोर, इस तरह बोल सकते देयर फोर, ये साइन बेटा देयर फोर बोलते हैं, थ्री डॉट अगर इस तरह लगा दिया जाए कि भी पीक्यू को, यानी कि इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, पीक्यू को और दूसरा क्या लिया साइड मैंने क्यूआर को लिया, क्यूआर को दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो ये हमेशा ग्रेटर आता है थर्ड साइड से, थर्ड साइड कितना था 3.5 था, यानी कि पीआर से बड़ा आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो हेंस सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि किसी भी टू साइड ऑफ द ट्राइंगल को अगर प्लस कर दोगे इसकी लेंथ को तो थर्ड साइड से ग्रेटर आएगी। दो कंडीशन सेटिस, दो कंडीशन लेकर के हमने क्वेश्चन को कर दिया सॉल्व। अभी तीन कंडीशन इसी तरह से थ्री और एग्जाम्पल हमने लेने हैं और अपने केस को दिखाना है। टू केस ले लिया, अब देखते हैं थर्ड केस। तो थर्ड केस में भी कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल ले लेंगे। ये देखो नाम बदल बदल रहा हूं भाई, और कुछ नहीं, थोड़ा सा डायग्राम में चेंज कर दूंगा दे रहा हूं। तो ये केस थर्ड है और इसके अंदर मैंने ट्राइंगल क्या लिया है एक्स वाई जेड। देखो ये मेरे पास एक्स पॉइंट है, ठीक है, ये मेरे पास वाई पॉइंट है और ये मेरे पास हो गया भाई जेड पॉइंट। तो देखो भाई एक्स वाई मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया, इसकी बात कर रहा हूं, उसके बाद वाई जेड मैंने ले लिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाला, और जो बच गया 6.8 ये मेरे पास क्या है जेड एक्स है, ठीक है, कोई दो साइड लेनी है, फर्स्ट साइड ये वाली और सेकंड साइड ये वाली, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं भाई, एक्स वाई वाई जेड कितना आ रहा है, दोनों को प्लस करोगे 5 + 3 = 8 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 8 सेंटीमीटर है वो 6.8 से बड़ा है, ये देखो 6.8 से बड़ा आ रहा है। तो अगेन देयर फोर लिख सकते हो, जैसे मैंने यहां लिखा है, जरा ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है यहां पे, कि देयर फोर एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब है इसकी बात कर रहा हूं, ये फर्स्ट साइड और सेकंड साइड मेरा क्या है ये वाला जेड वाई, यानी कि वाई जेड भी बोल सकते हो इसको, इन दोनों को जब आपने प्लस किया तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर जो बचा हुआ साइड है 6.8 इससे बड़ा आ रहा है, यही लिखा है मैंने देयर फोर एक्स वाई प्लस वाई जेड
इज ग्रेटर देन जेड एक्स, जेड एक्स से बड़ा है, फिर से प्रूव हो गया ये, हेंस एक बार और हमने सेटिस्फाई कर दिया कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। थर्ड यानी कि किसी भी दो साइड ट्राइंगल को लोगे, उसकी लेंथ को प्लस करोगे, तो वो थर्ड साइड का जो ट्राइंगल का जो लेंथ होगा उससे बड़ा आएगा। देखो बड़ा आ रहा है ना, दो साइड को हमने ऐड किया, ज्यादा आ रहा है ना, 8 सेंटीमीटर आ रहा है, जबकि जो साइड हमने छोड़ दी थी वो कितना है 6.8, यानी कि प्लस करने के बाद जो हमारे पास आ रहा है दो साइड का जो सम वो ग्रेटर है, वो बड़ा है थर्ड साइड से। बस थर्ड केस थर्ड करके भी हमने सेटिस्फाई कर दिया। इस क्वेश्चन में हमें 5 एग्जांपल वो लेते हैं, हमने अभी तक 3 एग्जांपल ऑलरेडी ले चुके हैं, चलो एक और लेते हैं भाई, इस तरह से दो और लेंगे और फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा हमारा। तो देखो अब थोड़ा नाम मैंने अलग कर दिया, अब नाम क्या रखा है ट्राइंगल का, MNS, MN ये रहा आपके पास 2.7 सेंटीमीटर, उसके बाद NS कितना आपका 4 सेंटीमीटर, ये मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया, और जो थर्ड बच गया, थर्ड क्या है हमारे पास 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है भाई 4.7 सेंटीमीटर। अब मैं इस फर्स्ट वाले को और इस सेकंड वाले को जो इसकी लेंथ, इन दोनों को प्लस कर लेता हूं, तो MN और NS को प्लस करता हूं, ये क्या है 2.7 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ रहा है, यहां पे भी लिख देता हूं 6.7 सेंटीमीटर आ रहा है भाई, देखो यही लिखा है मैंने 6.7 सेंटीमीटर। तो अगेन यही बात हुई कि प्लस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है थर्ड साइड से ज्यादा आ रही है, तो कितनी आ रही है 6.7, तो 6.7 एज लिखा ना 6.7 इज ग्रेटर देन 4.7, इन दोनों को जो प्लस किया 6.7 आया वो ग्रेटर आ रहा है 4.7 से, ठीक है आ रहा है ग्रेटर, बस यही करना था। तो देयरफॉर लिख सकते हो MN प्लस NS इज ग्रेटर देन MS, बिल्कुल सही बात है। तो एक बार हमने प्रूफ कर दिया, हेंस सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि दो साइड को अगर प्लस करोगे एड करके तो उसकी वैल्यू थर्ड साइड से ग्रेटर आएगी, ये प्रूफ करना था, बस हो गया। एक और एग्जांपल लेना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आप 5 एग्जांपल लेकर के 5 डिफरेंट केस लेकर के इसको प्रूफ करिए, ठीक है। तो 4 अभी तक हम लोग कर चुके हैं, एक और करते हैं भाई, चलो और फिर ये लास्ट होगा और हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो भाई देखो, ये आ गया आपके पास 5th केस, इसके अंदर ट्राइंगल मैंने क्या लिया, KLM, के ये रहा, एल ये रहा और एम ये ले, ड्रॉ कर लिया हमने इसके अंदर, और इसके अंदर जो मैंने साइड लिया है बेटा तीनों साइड इक्वल है, तो भी पहले तो मुझे ये बताओ जब तीनों साइड इक्वल होती किसी भी ट्राइंगल में उस ट्राइंगल का नाम क्या है भाई, कमेंट करके बताना ताकि मुझे भी तो पता लगे आपने पुरानी क्लासेस में कुछ पढ़ा भी है या ऐसे ही, ठीक है। तो मुझे बताना, मैं नहीं बताऊंगा भाई, बताना मुझे कमेंट करके भाई, जब ऑल साइड इक्वल होती ट्राइंगल में उस ट्राइंगल को बोलते क्या है। तो देखो यहां पे KLB 3.5 है, MLB 3.5 है और KMB 3.5 है, तीनों 3.5 है, KL, LM और KM तीनों 3.5 है, किसी भी दो साइड को लेना है, तो मैंने KL को ले लिया, KL का मतलब है इस साइड को लिया भाई, यहां से लेकर के यहां तक ये ले लिया। उसके बाद LM, LM यानी कि जो नीचे जो लाइन है ये वाली, L से लेकर M तक का डिस्टेंस कितना है 3.5, दोनों को प्लस कर लेते हैं 3.5 3.5, जब प्लस करोगे तो क्या आएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, देखो यही लिखा है ना 7 सेंटीमीटर। तो भाई ये जो 7 सेंटीमीटर है जो साइड छोड़ दी थी हमने, ये वाली छोड़ दी थी, यानी कि KM छोड़ दी थी हमने, उससे बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है भाई। तो आप लिख दोगे यहां पे ऐसी कि KL प्लस LM इज ग्रेटर देन KM, जिन दोनों को प्लस किया तो 7 सेंटीमीटर आया और ये कितना है 3.5, तो ये रहा भाई 3.5, तो ये 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो आप एक बार और स्टेटमेंट लिख सकते हो, हेंस सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, हो गया। तो आप फाइनली आप लिख सकते हो, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड, अब हम कंक्लूजन में बोल सकते हैं दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि अगर तीन साइड है ट्राइंगल के अंदर, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, तो किसी भी दो को अगर ऐड करोगे, किसी भी दो साइड को अगर ऐड कर लोगे, फर्स्ट को और सेकेंड को अगर ऐड कर लोगे, ठीक है, तो किसी भी दो साइड को ऐड कर लोगे तो थर्ड साइड से वो ग्रेटर होगी, ये बोला जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो हमने ये सेटिस्फाई कर दिया इसके अंदर, तो यही प्रूफ करना था। तो इस एक्सरसाइज में यानी कि 5.1 में बेटा ये 7 क्वेश्चन थे, तो अब हमारा ये जो एक्सरसाइज है 5.1, ये मैंने जो स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 1 से आपका, ये पूरा हो गया। चलो फिर वीडियो को लाइक जरूर करो, लाइक करो भाई, और कमेंट करके बताओ कि आपको ये समझ में आया नहीं आया, कैसा लगा जरूर कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करो भाई।
ठीक है, वीडियो को लाइक करो, अपने जितने फ्रेंड्स हैं सब जगह से शेयर करो, ठीक है। चलो इतना ही तो काम बोलता हूँ मैं, कोई ज्यादा काम थोड़ी बोलता हूँ, यही काम किया करो बस। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा 5.2, ठीक है। चलो आज के लिए बाय बाय।